सत्य को दिया तो किसके द्वारा दिया गया था ये प्रत्यक्षीकरण? टॉलमैन अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, है किसी को आइडिया? आंसर है इसका बर्दिमर के द्वारा दिया गया है। समायोजन का संबंध किससे है, बोलो जल्दी से। एडजस्टमेंट हम किसके साथ करते हैं, सामाजिक विकास, सामाजिक सोशल विकास के सोशल एडजस्टमेंट हम डेवलपमेंट। किससे करते हैं? सोसाइटी के साथ, समाज के साथ करेंगे। तो एडजस्टमेंट आपका इसका संबंध जो है वो डायरेक्टली जो है वो सामाजिक से ही आएगा। मानसिक से तो आपका अगर कोई पर्सनल है, शारीरिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, तो पर्सनल से आ जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंध रखता है? जी जी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जी ब्रूनर ने भी क्या बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। तीन स्टेजेस कौन कौन सी थी, बोलो। सिंबॉलिक ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इड, ईगो और सुपर ईगो किससे कॉरिलेट करेगी? व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से जो है वो बिलोंग करेगी। नेक्स्ट देखिए, खेल विधि का प्रतिपादक जो है वो किसे माना जाता है? क्या मोंटेस्की। आएगा? फ्रॉवेल। जी नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कहाँ पे? सामान्य बच्चों सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट देखिए, साथी समूह इम्पोर्टेंट है, पीयर ग्रुप जो आता है आपका, तो क्या आप समझते हैं उससे? डी पे और बी दोनों तो दो आपका मित्र भी होगा, व्यवसाय ये। का आपका कार्य जी लोग भी होंगे, एक अच्छा शिक्षक संकेंद्रित होता है। ऑप्शन मेथड पे भी, डी सब्जेक्ट पे भी, और से सभी इसमें जो है वो क्वालिटी उनके आ जाएगी। मूल्यांकन में सम्मिलित होता है, मूल्यांकन में क्या होगा? ए बी दोनों, ए और बी दोनों, ए बी दोनों। केवल गुणात्मक, केवल दोनों जो है वो आ जाएगा इसमें। इलेवेंथ के लिए देखो, एक व्यक्ति जो विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या का निर्वारण जो है वो पढ़ लेना, इसको कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, उसकी क्या है, एक तरह से क्या है ये आंतरिक क्रिया, इलेवेंथ के लिए आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल ठीक है, मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा आ जाएगी उसकी। निमन में से शब्दों को ना पहचान पाना किस तरह की अक्षमता आएगी? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। शब्दों को ना पहचान पाना आ जाएगा आपका डिसलेक्सिया। समझ आ रहा है ना सभी को? यस सर। नेक्स्ट देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार क्या बोलेंगे? अग्रेसिव बिहेवियर। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। यस, जो आपका इफेक्टिव जो आपका होगा, एक तरह से बिहेवियर होगा, दैट इज जनरली कॉरिलेट टू द फ्रस्ट्रेशन। यस यस सर, यस नेक्स्ट सर। नहीं देखेंगे, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा, कल ही हमने डिस्कस किया था, प्लीज नहीं 92। हो सकता। 100 नेक्स्ट नाइनटी देखिए, सेवन आपके पास आता है, एक छात्र गणित के प्रश्न हल करने को क्या करता है? अंक लाने के लिए मोटरसाइकिल लेने का वादा करता है, तो क्या होगा? बाहरी बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, बी बाहरी एक्सटर्नल प्रेरणा, बाहरी। मोटिवेशन। ऑप्शन डी बी। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। मोटरसाइकिल देने का वादा करता है, तो इसका क्या अर्थ होगा? बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन। प्रेरणा। क्लियर है? शैशवावस्था यस यस सर। को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? 16 के लिए जल्दी से स्टेनली आंसर हॉल, करो। स्टेनली हॉल। आदर्श काल, तूफान और उसका जो है वो किशोरावस्था को कहा है स्टेनले हॉल ने, जंजीरों से, मतलब जंजीरों से कुछ इस तरह दोस्तों की स्टेटमेंट ब्रूसो ने दी है, तो आ जाएगा बेलेटाइंस, ठीक है। 16 का डी। क्लियर है? यस यस। अगर 70 से कम है आईक्यू, तो क्या बोलेंगे, कौन सा बालक है?
पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक। प्याजे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संकेत का उदाहरण है? एक शिशु को अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या बोलेंगे? सामाजिक सामाजिक अधिगम, अधिगम, सोशल लर्निंग। सामाजिक अधिगम। गेस्टाल्ट नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण में गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार कौन सा असत्य है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 20 का B। बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने ने की बुंट थी? बुंट बड़ी बात के लिए विलियम आ बुंट। जाएगा, विलियम वुंड। नेक्स्ट देखिए, बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो बच्चे क्या कहलाते हैं? मंदबुद्धि बिल्कुल, बालक। इसके लिए आंसर कर दीजिए तो मंदबुद्धि क्या हो जाएंगे? मंदित बालक उसको बालक। बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाए हुए हैं, यानी अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा है? इम्पोर्टेंट है, तो 23 के लिए आ प्याजे जाएगा, प्याजे। और सेन प्याजे। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? एजुकेशन साइकोलॉजी इनमें से नहीं है, बिहेवियर आ जाएगा, और क्या क्या नहीं आएगा? 24 के लिए भी आदर्श आंसर हो मूलक जाएगा, आदर्श विद्यालय। मूल्य नहीं होगा। एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ जाता है जिससे वो काफी चोट आती है, तो इस तरह से डर लगता है या फिर चीजें को जो है वो अलग दिखती है, तो एक तरह से किसका उदाहरण आ जाएगा? 25 के लिए उद्दीपक उद्दीपक जनरलाइजेशन। समान CCE क्या है? सतत सतत पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम। मूल्यांकन। 26 के लिए आ जाएगा C। 27 के लिए आंसर करो, निम्नलिखित में से पुलिस ऑफिसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित से कम थी, तो निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया गया? मानक संदर्भित निष्कर्षण, मूल्यांकन। बीज निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर C आएगा 27 के लिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी का जो है वो इसमें से नहीं है, तो आपका बहुलक माध्य मानक विचलक जो है मानक विचलन। नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है सभी को? यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा सर एक प्रयोगात्मक विधि के लिए आवश्यक अव्यय है? प्रोजेक्ट मेथड के लिए। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किल पैट्रिक, याद रखना है, किल पैट्रिक। जब मैं बीएड में पढ़ता था उस टाइम मैम ने बताया था कि ये टैट वगैरह में पूछा जाता है, तो वहां से मुझे आज तक याद है, वो भूला नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड किसने द्वारा दिया गया था? तो किल पैट्रिक ने दिया था। क्लियर है? 29 यस के लिए आंसर करो, D, नियंत्रित अवस्था, कंट्रोल स्टेज। ठीक है, बुद्धि गुणा के प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? बोलो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? 30 के लिए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, अल्फ्रेड बेने। क्लियर है इतना? यस सर। आज जितनी चीजें हमने कवर की, किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर है सभी को अच्छे से? यस मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेली GK वाला सेशन भी अटेंड करना है सभी ने, तो वहां पे देखो 20 स्टूडेंट भी नहीं थे कल, तो बहुत शर्म की बात है, तो आप लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं की है रिवीजन, उसका कर लीजिए। और अभी टाइम कितना हुआ है? 10:18, ठीक है? तो नेक्स्ट लिंक आपको आई थिंक 11 बजे ही क्लास होगी, और जिनकी फिजिक्स की क्लास है उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ अगर होती है, क्योंकि इमरजेंसी एक जो है वो इंसिडेंट हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बाहर जाना पड़े, बट फिर भी इन्फॉर्म कर देंगे अगर क्लास होगी तो। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? विशाल, वैशाली, सुमन, सुखविंदर, शिवानी, सुविता, रजनी, क्लियर निशा, नीमा, मनीष, मनीषा, ममता, है कविता, सर। गीतांजलि, यस सर। जरीना, यस सर। आरती,
अंजना डन है सभी यस को? सर, यस यस सर, सर, एक बार चेक कर यस लेना सर, इसको और रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके अपने अपने बैच में। तो जितना भी पिछला कवर करवाया है उसको भी साथ साथ में जो है वो रिवाइज करते रहना है सभी ने, ठीक है? यस चलिए तो बाकी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा शाम को 6 बजे उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।